भरतपुर और डिग को मिल सकती है बड़ी सौगात। भरतपुर अलवर मार्ग को फोर लेन से जोड़ने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए सीएमओ ने मांगा है प्रस्ताव। भरतपुर कुम्हेर नगर होते हुए अलवर के बड़ौदा मेव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव आ सकता है। प्रोजेक्ट में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फोरलेन होते ही स्टेट मार्ग से नेशनल हाईवे में होगा तब्दील। फोरलेन होने से दोनों जिलों में विकास की संभावनाएं और बढ़ेंगी। राज्य सरकार केंद्र को भेज सकेंगी प्रस्ताव। बजट में हो सकती है ये बड़ी घोषणा। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने कि बजट जो आज अंतरिम बजट पेश होने वाला है इसमें बड़ी सौगात मिल सकती है भरतपुर और डिग को, क्योंकि भरतपुर अलवर मार्ग को फोर लेन से जोड़ने वाला प्रस्ताव पारित हो सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए सीएमओ ने इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। भरतपुर कुम्हेर नगर होते हुए अलवर के बड़ौदा मेव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव मांगा जा सकता है। मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी भी उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है, इस बजट में भरतपुर और डिग को बड़ी सौगात मिल सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है कि फोर लेन को लेकर प्रस्ताव सामने आ सकता है, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? देखिए, लगभग 1700 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, सीएमओ केंद्र को भेजा गया है, इसलिए बड़ी एक आज बजट में सौगात भरतपुर को मिल सकती है। हो सकता है कि पूरे बजट के दौरान इसकी घोषणा हो, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव सीएमओ ने मांगे हैं। सीएमओ ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जो भरतपुर अलवर जो मार्ग है उसको फोर लेन करने का प्रस्ताव मांगा है, जिसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो फोर लेन का काम है, ये भरतपुर कुम्हेर डीग नगर होते हुए अलवर का जो बड़ौदा मेव है, जहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जहाँ से गुजरता है, उससे कनेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक बड़ी गतिविधि होगी, क्योंकि अगर फोर लेन होता है तो निश्चित रूप से भरतपुर नहीं डीग जो भी दोनों जिले हैं उनके विकास की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल देवेंद्र, और इसके लिए प्रस्ताव भी मांगा गया है और राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भी भेज सकती है। बजट में बड़ी घोषणा के बाद में ये बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जी निश्चित रूप से, क्योंकि इस तरह की अगर बड़ी घोषणा फोर लेन होता है तो फोर लेन होने के बाद में निश्चित रूप से जो न सिर्फ चौड़ाईकरण होगा बल्कि वो स्टेट मार्ग से नेशनल हाईवे में तब्दील हो जाएगा, और नेशनल हाईवे जब कहीं से गुजरता है तो निश्चित रूप से वहाँ उसके आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ विकास की संभावनाएं और बढ़ जाती है। तो विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और इससे काफी फायदा भी होगा अगर ये फोर लेन का प्रस्ताव मंजूर होता है। तो बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।